हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुमकुम किचन्स में। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ खाने के लिए तो यूज नहीं होगी, हाँ इसको मिलाकर आप बहुत टेस्टी लड्डू पेड़े या बहुत टेस्टी मिठाई जरूर बना सकते हैं और इससे बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर हमारे लड्डू और मिठाइयों को मिलता है। और यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और आपको मेरे वीडियो यूं ही मिलते रहे तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो आज हम बनाएंगे बुरा या तगार। इसके लिए मैंने यहाँ एक फ्राइंग पैन रख दिया है और इसमें मैंने डाली है 1 कप चीनी, साथ ही मैंने डाला है 1/3 कप पानी। मतलब कि आप ये याद रखिए कि चीनी और पानी का अनुपात जो होना चाहिए वो 1:3 का होना चाहिए, यानी कि यदि हम 3 कप चीनी ले रहे हैं तो 1 कप पानी लेना है और इसे मिलाते हुए हम इस तरीके से चलाते हुए मिलाएंगे जिससे कि चीनी घुल जाए। देखिए धीरे धीरे चीनी जो है वो घुलने लगी है, चाशनी बन चुकी है, इसे हमें थोड़ा और पकाना है। फ्लेम को मैंने यहाँ हाई रखा है, हाई फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। 1 चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ घी, बस तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, इससे ज्यादा कोई चीजें हमें इसमें नहीं लगेंगी। हाँ थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी इसको बनाने में, तो हम इसको चला देते हैं, थोड़ा झाग बनने तक हम इसे पकने देंगे। तो देखिए इसमें थोड़ा सा झाग बनने लगा है, थोड़ा सा और हम इसको पकाते हैं अभी। अब हम क्या करेंगे कि इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे और गैस का जो फ्लेम है उसको मैंने बंद कर दिया है और इसी तरीके से चलाते हमें इसे ठंडा करना है। ठंडा करने से हमारी जो तगार है वो खिलने लगेगी, तो आप इसको लगातार चलाते रहिए जिससे कि ये जमे ना। तो मैं इसको लगातार चलाते रहूंगी, धीरे धीरे ठंडा होकर ये जमने लगेगी। देखिए इस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा जमने लगी है, तो आपको इसे लगातार चलाते रहना है। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आपकी तगार बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी, आप बस इसको लगातार चलाते रहिए। कभी कभी आपको लगता है कि इससे तगार बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार होता है। देखिए इसे लगातार चलाते रहिए, बस आपको इसको चलाते रहना है जिससे कि ये एक जगह पर इकट्ठा ना हो और हमारा जो तगार है वो खिला खिला बने। तो आप इसको चलाते रहिए जब तक कि ये बिल्कुल ठंडा होगा, तो खिला खिला तगार हमारा बनकर तैयार होगा। इसको इस तरीके से आप चलाते हुए फैला लीजिए। देखिए इस तरीके से ये बन गया है, इसमें जो थोड़ी थोड़ी गठाने दिख रही है इसको हम चम्मच से फोड़ लेंगे। इस तरीके से चम्मच से फोड़ते हुए हमें बना लेना है इसको। देखिए कितना अच्छा तगार हमारा बनके तैयार हुआ और जो छोटी छोटी गठाने रह गई हैं इसको भी हम चम्मच से फोड़ ले, चम्मच से इस तरीके से मेल्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको कर लीजिए, तगार हमारा लगभग बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको एक चम्मच से दिखाती हूँ और जो छोटी छोटी गठाने उसको मैंने चम्मच से तोड़ दिया है। देखिए कितना अच्छा तगार हमारा बनकर तैयार हुआ है और इससे आप जो लड्डू बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यदि आप इसको पेड़े में इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ही मार्केट जैसे आपके पेड़े बनकर तैयार होंगे, इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। यदि आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं, पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल, तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। यदि आपको मेरी यह रेसिपी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और यदि आप चाहते हैं कि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।